वापस लेनी पड़ेगी बाइक और यहाँ से वापस निकालनी बहुत मुश्किल है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ पे फोटोज रील्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके मोटो व्लॉग। स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। आई होप अब सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही होने चाहिए। तो लास्ट चार दिन से भाई कंटिन्यूसली टीटवाल में बारिश पड़ रही थी और बाकी जगहों में बर्फ पड़ रही थी। ठीक है, अभी जहाँ पे हम जाने वाले हैं आज के व्लॉग में, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बर्फ देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भाई, आसपास हिल के जो टॉप्स हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको बर्फ दिख रही होगी थोड़ी बहुत, और वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, वो है पाकिस्तान, उसे कहते हैं चगली। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से और मिलता हूँ आपको सीधा मोटो व्लॉग सेटअप पे। तो चलते हैं जल्दी से यहाँ से, आगे निकलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, आपको मिलते हैं आगे। गाइस चेक दिस आउट भाई, सामने बर्फ देख रहे हो। चलते हैं अभी वहां साइड पे ही जाएंगे जहां पे हमें बर्फ मिलेगी। तो भाई वकार ने मुझे बोला था दिलदार वाले एरिया में ब्लैक आइस हो रखा है रोड पे, तो वहां से ध्यान से आना। सो लेट्स सी, अगर अभी भी आइस होगा रोड पे तो फिर बाइक चढ़ानी वहां से तो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज वहां से पूरा भाई अपहिल एरिया है। हम पहुंचे थे जी दिलदार में, द हार्ट ऑफ करना जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे बर्फ कितनी ज्यादा है भाई। और आज तो सीरियसली आज मेरे को भाई मजा आ रहा है, काफी टाइम के बाद मैं बर्फ में राइड कर रहा हूँ भाई। यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है पूरा एरिया। आसपास लोग देख के भी परेशान होंगे भाई, ये इसको क्या चुल मची हुई है कि आज ये बर्फ में बाइक राइड कर रहा है भाई। मेरे को नहीं लगा था कि मैं टंगडार तक पहुंच पाऊंगा इस बर्फ में, जैसा मैंने सुना था वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ से चढ़ेगा क्या, क्या लगता है जरा? आए तो जाएंगे ब्रो, क्या बोलता है? तो साथ ही रहना थोड़ा। ट्राई करते हैं भाई चढ़ेगी या नहीं, अभी तो चढ़ रहे हैं फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता करके। सही है, चढ़ गए, इतने से तो कुछ नहीं हुआ, आगे और ज्यादा आइस मिलने वाला है हमें। कुछ इस तरह का खूबसूरत सा नजारा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे बर्फ भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक फुट तो पड़ी होगी यहाँ पर। सो रोड से बिल्कुल साइड कर दी हुई है आज। पता है गाइस ये क्यों मुझे बोल रहा है तू दूर रहा, क्योंकि इसने आज जीन पहनी है भाई सुखी की उधार लेके, और अपर वाजिद का पहना है। ये मैं लिख के देता हूँ भाई, वाजिद का है, वाजिद का ब्रो। वाजिद भाई अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है, तूने इसको ये वाली हुडी देके ना गलती कर दी, ये गरीब ही रहना चाहिए था। लेट्स सी आगे रोड के क्या हालात है। देखो गाइस लुक एट दिस भाई, क्या नजारे हैं, क्या मजा आ रहा है यहाँ से। अभी सुबह सुबह मैंने चेन का काम भी कर दिया था, चेन लूप वगैरह करके मैंने अच्छे से बाइक रेडी कर दी थी। मेरे को पता था आज मैं जाऊँगा एक मस्ती लोकेशन पे, और यहाँ से चेक मारो अगर इस साइड से जाऊँगा तो ब्लैक आइस है, मुझे लेफ्ट साइड से जाना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं भाई, ये तो पूरा आइस जमा हुआ है यार, साइड साइड से जाना पड़ेगा। क्या बात है, देख रहे हो वकार भाई, वीडियो बनाओ। ओहो क्या बात है, अगर लीन में भाई ब्लैक आइस आ गया ना, ये समझो भाई किसी जगह पे होगी, मैं किसी जगह पे होऊंगा, इस वजह से मेरे को थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। बाकी नजारे मस्त है, एंजॉय कर रहा हूँ भाई। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस व्लॉग पे एम करते हैं 200 कमेंट्स और साथ में 400 लाइक्स का। ठीक है भाई तो कर दो, आपके लिए तो कुछ नहीं है, कर सकते हो आप लोग। ओहो भाई क्या बात है, क्या बात है यार, आसपास देखो भाई मजा, खूबसूरती और प्यार भरी जगह, पूरी वाइट कारपेट छाई हुई है पहाड़ों पे। और अभी मेरे को ये अंदाजा था जैसे पीछे मुझे रोड मिली, वैसा मैंने सोचा था कि भाई CMP जो आखिरी चेक पोस्ट पड़ती है यहाँ पे पुलिस की, तो वहाँ तक मैं जा पाऊँगा, और पहुँच चुके हम वहाँ पर। ये साइड खुला है, चल फिर ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। यहाँ से तो रोड अभी खुली है। ओ भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, चलो ट्राई करते हैं, जहां तक बाइक पहुंचेगी वहां तक लेंगे। अब फाइनली यहाँ पे हम पहुंचे हैं भाई, थोड़ा बहुत धक्का वक्का देके वकार ने वहां से लाई बाइक,
तो अभी फोटोज वगैरह लेते हैं, देन भाई वापस लेनी पड़ेगी बाइक, और यहाँ से वापस निकालनी बहुत मुश्किल है। सो आगे तक भी जाएंगे, वहां से आपको नज़ारे दिखाएंगे नीचे करना के। तो भाई गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जी इस तरह की प्यारी सी जगह पे, और वकार भाई ने अच्छी अच्छी रील्स बनाई और साथ में फोटोज वगैरह भी लिए हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ पे फोटोज रील्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। बाकी यहाँ से मैं कुछ सिनेमैटिक्स वगैरह लेता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ, और चलो वकार भाई के साथ साथ चलते हैं। आज वकार भाई हमें बुला रहे हैं, देखो भाई सनसेट का टाइम हो रहा है और क्या प्यारा लग रहा है ना। ब्रो गिर जा, चेक दिस आउट गाइस, ये रहा जी करना, और वहां पे है जी अपनी रॉकेट। प्यारा सा मौसम आज हो रखा है, इसलिए मैंने सोचा आज एक मस्त व्लॉग बनाते हैं आपके लिए। हाथ दूर रखना दोनों, चिपका के मत रख। हाँ नीचे 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 और आगे, एक फुट आगे, नीचे हाथ नीचे, नीचे वाला नीचे और नीचे, रहने दे भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ साइड से, और फोटोज वगैरह हमने ले लिए, रील्स वगैरह भी बना ली, और अब यहाँ से जाते टाइम एक जगह पे भाई पूरा ब्लैक आइस आता है, वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और ये देखो भाई रोड पे क्या कर दिया इन लोगों ने, पूरी रोड पे उठा के बर्फ फेंक दी है। बस लोंडे डर रहे हैं, लोंडे डर रहे हैं भाई, देख रहे हो पीछे सुहेल भाई। सुहेल डरा हुआ भाई। ठीक बढ़िया मजे में भाई, आज भी गाने चल रहे हैं इस ठंड के माहौल में यार। नमाज पढ़ता है ब्रो? बोल रहे थे आगे ब्लैक आइस जम जाता है तो जल्दी से निकल जाना, उस वाले पोर्शन से हम निकल आए हुए हैं, तो अब यहाँ से तो आगे सूखी रोड ही मिलने वाली है, मतलब पानी वानी तो होगा रोड पे बट आइस वगैरह नहीं होगा। सो लेट्स मूव, आराम से चलते हैं। और ये जो चीज़ है ना भाई, ये लोग गलत कर रहे हैं बाइकर्स के लिए, बाइकर्स के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बिकॉज ये उठा के साइड से रोड पर बर्फ़ फेंकते हैं, देन बर्फ़ जम जाती है, तो उस वजह से भाई दिक्कत हो सकती है, यू नो। तो चलते हैं, ठंड लग रही है यहाँ साइड से भाई, अपने एरिया में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं, वहाँ पे मस्त मौसम रहते हैं अक्सर, आपको पता ही है। सो होपफुली गाइस आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है भाई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है। और बाकी अब मैं यहाँ से निकलता हूँ घर के लिए, यहाँ से नीचे हमें बहुत कम बर्फ़ मिलेगी। सो मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी नेक्स्ट प्यारी सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।